दोस्तों कैसे आप लोग करते हैं अलग लक्षण वही दो थी। आज भी दिनचर्या शुरू हो गई। मनु घाट स्कूल है, बज रहे हैं 2:30 और अब हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। ब्लॉग बहुत डेली से शुरू हुआ। यहाँ से हम पहाड़ी आपको दिखा रहे थे यार, ये पहाड़ी पे थोड़ा स्कूल है, इधर घर भी पहाड़ी पे है। इधर का नज़ारा एक अद्भुत नज़ारा है हम लोगों के लिए, कितना ऊँच पर हम लोगों के यहाँ हम जाते थे ना, भट्टा है यानी ईंट जहाँ बनता है वहाँ पे, इस तरह से इतना ऊँच नहीं, इतना ऊँच तो मिट्टी गाजी रहती थी, उसके ऊपर जाते थे तो हमें लगता था बहुत ऊपर हम आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे तो उतना चढ़ना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है, हालत ख़राब हो जा रही है ना, ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ का लैब पूरा सेटअप हो गया है और स्कूल के टीचर अब जा रहे हैं, सब अगरतला जा रहे हैं, उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो अब यहाँ पर हो गया सिर्फ साइन लेना है, तो साइन का फार्मेट अभी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या करना है, तो साइन का फार्मेट जब डिसाइड हो जाएगा हम साइन लेने के लिए चले आएंगे ना, यही है। और सब ठीक है भाई, वो एक एक कंपोनेंट गिनवाने पड़े यहाँ पर भाई, अब इसके आगे हम क्या ही कर सकते हैं, बहुत समय तो उसमें चला गया। एक एक कंपोनेंट हमने गिनवाया, सारी चीज़ें किया, तो उसके बाद फाइनल हुआ। यही सब चीज़ें दिक्कतें हैं और हम क्या ही कह सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर एक बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय राधे। अरे नहीं यार, मैं तो ब्लॉगिंग करने वाला था, अभी तो शुरू किया हूँ। ये देखिए इस तरह के एरिया हैं यहाँ पर, मनु घाट ESTE गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल किस लिए है भाई? यहाँ के बच्चे जब पढ़ते होंगे तो हॉस्टल किस लिए बनवा दिए, अब हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कुछ देर बाद मिलते हैं कहीं और जगहों पर, बाय बाय। उसके आने के बाद यहाँ पर हम हैं, ये देख रहे थे मूवी, जब देख रहे थे एक हम देख रहे थे बादल, ये समय देख रहे हैं बिच्छू, बॉबी देवल। बॉबी देवल पहले मूवी इस तरह से बनाता था तो अच्छी मूवी हिट होती थी। अब फिर बॉबी देवल आ गया है इंडस्ट्री तबाही मचाने के लिए, बीच में भाई बहुत ब्रेक ले लिया था, तब काम भी नहीं मिल रहे थे। फिर शायद रेस गिरी भी है, सलमान साथ के साथ काम किया, उसके बाद फिर लगातार फिर बैक किया है। हम तो विलन में एक नंबर का विलन का एक्टिंग करता है भाई। ये रहे हम, ये रहा हैंड वॉश, भाई हमेशा हैंड वॉश से हाथ धो लिया करिए, इसे मैं यहाँ पर कर दूँ। ये 99.9% की दारू मारता है, 0.1% बच जाता है जो कि हमें तबीयत ख़राब करता है ना हम लोगों की। ये देखिए बाहर इतनी बारिश हो रही थी ना, दो ढाई घंटे लगातार बारिश हुई, लेकिन पानी यहाँ पे जनाएगा नहीं, यहाँ की मिट्टी बालू टाइप की है ना, तो इस वजह से सूख जाती है। थोड़ा गला याद करने लगा आज की रूटीन के परसन, कल हम लोगों को सेटअप करना है लैब एक जगह पर जाकर के, कमलपुर आप जानते होंगे एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ पर चलते हैं, देख दिखाते हैं आप कुछ नया यूनिक सा काम वहाँ पे ज़्यादा करना है तो दिखाए, क्योंकि रास्ते में यार गाड़ी में ब्लॉग नहीं बन पाता ना, क्योंकि तो यहाँ पे हम थोड़ा छुप के रहते हैं ना अपना, मतलब भाषा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लोग चेहरा देख करके जान जाते हैं यहाँ का नहीं है, बोलेंगे तो वो पूरा जान जाएंगे, पूरा जान जाने से बताएं क्या होता है, जब तो मतलब एक अलग तरह से वो पहले सोचते हैं तब ट्रस्ट कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे किराया जहाँ का कम होगा ना उसका दुगना किराया लेते हैं भाई, अगर वो जान जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हो गया तब से मैं बोलता ही नहीं, मैं सिर्फ बोलता हूँ जहाँ मुझे जाना रहता है वहाँ का जगह का नाम, वो भी इतना तेज, जैसे कि हमें कमलपुर जाना था, हम ये कहेंगे कमलपुर, वो कहेगा हाँ बैठिए, वहाँ पे जाता हूँ 100 की पत्ती समाता हूँ, हो जाता है काम। तो यही सब, ये सब चलाकियाँ थोड़ा सीखना पड़ा यहाँ पे रहने के बाद। चलिए ठीक है, आई होप नेक्स्ट वीक तक हम आसाम में नजर आए,
आसाम में फिर वापस बैक टू बेसिक भाई, दिल को तसल्ली मिली गई आसाम जा कर के, काफ़ी मज़ा आ गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, उसके बाद बैठे के जो राजी राजी दोस्तों।